झांसी जिले के बबीना थाना क्षेत्र में एक ऐसा मंदिर है जहां पर हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है। बड़ी माता के नाम से प्रख्यात यह मंदिर जहां पर सारे कष्टों का निवारण होता है। माना जाता है कि यहां से कभी कोई खाली नहीं लौटता। देखिए खास रिपोर्ट। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। झांसी के बबीना में बड़ी माता मंदिर के नाम से जाना जाने वाला यह मंदिर काफी प्रसिद्ध है, जहां दूर दूर से लोग माता से मनोकामना मांगने आते हैं। जहां मनोकामना पूर्ण होने के बाद मंदिर में एक चढ़ावा चढ़ाया जाता है। उस चढ़ावे के रूप में एक सदियों पुरानी परंपरा है और वह परंपरा मड भरने की है। अब जानिए यह मड भरने की प्रक्रिया किस प्रकार की है। माता के दरबार में आए भक्त की मन्नत पूरी होने के उपरांत चढ़ावे के रूप में माता के दरबार को पूरी तरह से बंद किया जाता है और उसमें कलश से पानी भरा जाता है। पानी सिर्फ इतना भरा जाता है कि माता शरीर उसमें डूब जाए। श्रद्धालु पानी को अपने कंधे पर कलसा रखकर उस मंदिर में डालते हैं। मंदिर के चारों ओर जितने भी पानी निकलने के स्रोत होते हैं उनको काली मिट्टी लगाकर बंद कर दिया जाता है। एक भी स्रोत इतना नहीं रहता है कि एक भी बूंद पानी वहां से बाहर निकल सके। ऐसा कहा जाता है कि अगर पानी माता की नाक के ऊपर तक पहुंच जाता है तो स्वतः ही पानी अपने आप समाप्त हो जाता है। अगर श्रद्धालु पूजा अर्चना करने में देर करते हैं तो भी वह पानी अदृश्य होता चला जाता है। पूजा अर्चना के बाद मंदिर को खोला जाता है, जिसके बाद वह पानी बाहर निकलना शुरू होता है, तो वहां उपस्थित श्रद्धालु उस पानी से नहाते हैं। जितने भी लोग मठ भरने के लिए आते हैं उनको प्रसाद वितरित किया जाता है। वहीं हमारी टीम ने खुद इस पूरे कार्यक्रम को अपने कैमरे में कैद किया और वहां के लोगों से इस मंदिर की मान्यताओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। कब से चली आ रही है ऐसी कैसी मान्यता है कि लोग मत्था टेकते हैं और उनकी मान्यता पूरी हो जाती है, माँ सबकी मुरादें पूरी करती है। देखिए ऐसा है, माँ जो है वो शंकर का ही अधिरूप है। बताया गया है कि भाभी मेट सके त्रिपुरारी, देवी जो है वो शंकर का ही अधिवास है। इसलिए जो भी कार्य यहाँ पहले जो है एक मात्र छोटी सी मड़िया थी, जगदम्बा की छोटी सी मड़िया थी, लेकिन मड़ जो है, मैं तो अभी 50 साल से यहाँ रहता हूँ लेकिन मुझे मैंने भी नहीं देखा, मतलब ये देखा है कि हाँ मड़ भरता चला आ गया है। मड़ क्यों भरा जाता है? आदमी को जब ज्यादा कष्ट होता है, कष्ट का निवारण नहीं होता है, तो लोग बाग जो है मड़ को बोल देते हैं कि हमारा जो है कष्ट दूर है। क्योंकि कहा भी क्या, बताया ही मैंने कि भाभी देख सके त्रिपुरारी, इसलिए भगवान शंकर जो है इसको जो इस कष्ट को हर सकते हैं। तो जो है बहुत प्राचीन समय से जो है मड़ भरता चला आ रहा है। और यहाँ मड़ जो है कहाँ से भरते थे, ये जो अपना बड़ा तालाब है वो वहां पास में लगा हुआ है, वहां से लोग बाग जो है बड़ी दूर से अपने जो है कंधों पे जो है एक पात्र रख करके जो है मड़ भरते थे। और इतना बड़ा विशाल मड़ भरने के लिए कम से कम उन्हें जो है 4-5 घंटे लगते थे, और एक नहीं कम से कम 50-50 आदमी आते थे और एक एक कसैरिया जो है ला करके जो है मड़ भरते थे। इसके बाद मड़ भरने के पश्चात जो है पूजा होती थी, पूजा होने के बाद जो है मड़ की सफाई की जाती थी, इसके बाद थोड़ा सा हवन होता था और लोगों की जो है मुरादें जो है जो आदमी सोच के आता था वो पूरी होती थी। अभी तक यही चला आ रहा है और अब जो है उसका विस्तार, मंदिर का विस्तार ज्यादा हो गया है, बहुत बड़ा मंदिर हो गया है। चारों तरफ जो है उस बरामदे बन गए हैं, शीतला काली मंदिर जो है उसका बीजासन का मंदिर बन गया है और संतोषी माता का मंदिर हो गया है। इस प्रकार वहाँ मंदिर पर्याप्त मंदिर हो गए हैं और मंदिर की सुरक्षा के लिए वहाँ पर हर जगह जो है सीसी कैमरा लगे हुए हैं। कई वर्षों से लगातार करते चले आ रहे हैं कि गुरु जी भी यहाँ पर पूजा करते थे। और मड़ भरने का कार्यक्रम कब से चल रहा है? ऐसी मान्यता है कि मड़ भरने का कार्यक्रम सदियों पुराना है, कोई इसका व्याख्यान नहीं कर पाया आज तक। मड़ क्या है, आइए हम यहाँ के पुजारी से बात करते हैं। जो यहाँ पे मड़ भरने का कार्यक्रम है
मणक ऐसा है कि जो आपने मन्नत मांगी है तो आपका मन्नत पूरी होती है। प्राचीन माता मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, जितनी बमीना क्षेत्र में मड़क रह जाता है और कहीं नहीं जाता है, जो आदमी मन्नत मांगता है उसकी पूरी होती है। महाराज जी मड़क क्यों भरा जाता है? मड़क के लिए भरा जाता है जिनको दुख तकलीफ है, तो वो यहाँ के मत्था टेकता है कि नहीं हमारा जी ऐसा हो जाएगा तो हम मड़ भरवाएंगे, इसका लिए मड़ भरे। लोग बताते हैं कि मतलब माता का पूरा शरीर डुबाया जाता है और पूरे शरीर डुबाने से माता के मुख तक पानी पहुंचता है, और अगर उसके ऊपर पहुंच जाता है तो ऑटोमेटिक वो पानी समाप्त हो जाता है, क्या ऐसा है? नहीं तो वो मण जो जितना भरे जाते हैं उससे आगे चाहे आप टैंकर भी खाली कर देना तो वो उससे आगे नहीं जाएगा, ऑटोमेटिक चले जाएगा। ये पानी कहाँ जाता है वो उसका कोई जानकारी नहीं, वो पानी चले जाता है, नहीं दिखाएगा कि भगा दिया कि नहीं भगा, मतलब यहाँ पे दिखाई जितना भरे रहेगा उतना ही रहेगा, जो कहते हैं जितना से आगे नहीं जाएगा तो इसे आगे नहीं जा पाएगा। टैंकर एक आदमी 50 टैंकर लगा लूँ बोल लगा लूँ उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, उससे आगे नहीं जाएगा। इसलिए हमने मण बोला था कि हम मण भरवाएंगे, माता ने हमारा मण स्वीकार किया, हमने आज मण भरवाया है। और कोई भी हो टाइफाइड बन जाती है, गर्मी होती है, माता को डुबाने से मण भरवाने से उनको ठंडक मिलती है, इसलिए सबको ठंडक होती है, टाइफाइड शांत हो जाती है, मोती झला बन जाते हैं वो, तो इसी माता के चरणों के आशीर्वाद से सब सही हो जाते हैं। इनकी सेवा करने से खाने पीने से सब, इसलिए इनकी सेवा करते हैं। और बहुत बुजुर्ग लोग भी शुरू से मर भरते चले आ रहे हैं, तो वही हम भी आज मर भर रहे हैं, और उनकी कृपा है, चरणों तक भी उनकी गले के ऊपर भी नहीं चढ़ा सकते हैं, अगर ज़्यादा सोचे कि ऊपर चढ़ा दें तो अपने यहाँ जग उड़ जाता है, और इससे ज़्यादा मन नहीं भर सकते हैं कोई भी, चाहे इतना सुख कोशिश करें, और शर्त लगाना ही सकते हैं, शर्त लगाएगा तो मन खुल जाएगा। तो ये पानी जाता कहाँ है? जग उड़ता है अपने यहाँ, अपने आप उड़ जाता है, कहीं से कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं, कहीं से भी नहीं निकलता है, माता की कैसी कृपा है, अपने आप जग उड़ने लगता है। आपने देखा अपने यहाँ? नहीं, मन को खुलने में टाइम हो जाता है, अगर एक आध घंटा मन खुल जाए और माता डूबी रहे तो अपने आप जल ऑटोमेटिक अपने आप जल चला जाता है नीचे, फिर दोबारा भरते हैं, लेकिन जितना रहता है उतना ही रहेगा। तो ये थे महेंद्र सिंह यादव जिन्होंने आज इस मण भरने का कार्यक्रम किया है, और इनकी मान्यता थी कि हमारे बच्चे का रोग दूर हो जाए और नौकरी लग जाए, तो ये मण उन्होंने भरा था, इनकी मान्यता पूरी हुई है। मेरा लड़का पढ़ता था इसलिए उसकी जॉब नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने कहा मेरे बच्चे की जॉब लग जाएगी तो मैं माता आपकी संता माता का व्रत करूंगी और स्वागत करूंगी और मरवा हुआ, तो मेरे लड़के की जॉब लग गई है, आज उसकी 80-90 हज़ार सैलरी है, इसलिए मैंने मर भरवाया स्वागत करवाई, फिर मैंने बोला मेरे बच्चे की शादी भी हो जाए, तो फिर इसलिए मेरे बच्चे की जिस साल शादी हो गई तो मेरी बहू और लड़का दोनों के वजह से, मैंने दोनों की जोड़ी के वजह से आज मर भरवाया, उसकी जॉब की वजह से वो सारी खुशियाँ मिली मुझे, भगवान ने सब खुशी दी माता रानी ने, इसलिए मैंने मर भरवाया है, जैसा मर मैंने भरवाया ऐसा हर जनता भरवाए, तो ऐसी माता ने मुझे खुशी नहीं, ऐसी हर किसी को खुशी देवे। जी जो मर भरने की परंपरा है ये कब से चली आ रही है? ये तो बहुत पुरानी है, पहले से ही है जी, और माता रानी की कृपा से हर कुछ कामनाएँ पूरी होती हैं, इनसे मन्नत मांगते हैं कि हमारा जे काम हो, कोई पीड़ा होती है, कोई बीमारी होती है, तो जे सब पूरा करती हैं, सब दुख दूर करती हैं, इसलिए मन में सोच लिया जाता है और कह दिया जाता है कि हे माता रानी मेरी जे इच्छा पूरी हो जाए मैं मण भरवाऊँ, मैं सब कुछ करूँ, स्वागत करूँ, मण भरवाऊँ, मेरी भी इच्छा पूरी हुई तो मैं भी रक्षा गाँव से आके मैंने आके मण भरवाया और संकटा देवी की स्वागत करी मैं। माता रानी की बहुत अच्छी कृपा है और सबकी सुनती भी हैं, इनकी कृपा से सब कुछ बिगड़े काम बन जाते हैं। बवीना से प्रदीप यादव, दादा की रिपोर्ट। PK University, build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.